दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास जगह है तो वो अपने घर के बाग बगीचे में तरह तरह के पेड़ लगाए, लेकिन ये भी सच है कि उनमें से कई पेड़ पौधों का घर के आसपास होना बेहद शुभ माना गया है और कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो दोष निवारक माने गए हैं। आइए जानें कौन सा पेड़ कहाँ लगाना शुभ होता है और किस प्रकार से इसे हम कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी के पौधे के विषय में। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है उस घर पर भगवान श्री विष्णु की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। हाँ, ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको फायदे के बदले काफी नुकसान भी हो सकता है। तुलसी को घर में ईशान या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। हर मनुष्य को रविवार को छोड़कर नित्य प्रातः स्नान के पश्चात ही तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य प्रति बृहस्पतिवार को प्रातः तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सींचता है और रविवार को छोड़कर संध्या के समय तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसके यहाँ माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। और अब बताते हैं आपको बेल वृक्ष के विषय में। जी हाँ, भगवान शिव को बेल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है और मान्यता है कि इस वृक्ष पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। भगवान शिव जी का परम प्रिय बेल का वृक्ष जिस घर में होता है वहाँ धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती हैं। इसको घर में लगाने से धन संपदा की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सारे संकट भी दूर होते हैं। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं और माना जाता है कि बेल वृक्ष और सफेद आंख को यानी श्वेतार्क का जो पेड़ होता है उसको अगर आप जोड़े के साथ में लगाएंगे तो उस घर में मां लक्ष्मी की स्थायी रूप से कृपा प्राप्त होती है। बेल के वृक्ष का सुबह शाम अवश्य ही दर्शन करना चाहिए और इससे जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। बेल के वृक्ष को लगाने से वंश वृद्धि होती है, लेकिन इसको नष्ट करने से मनुष्य घोर पाप का भागी भी बनता है। अगले अंक में कुछ और पेड़ पौधों के विषय में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।